अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं चिकन का सालन, और जिसका मुझे ऑर्डर आया है। जैसे मैं टिफ़िन बनाती हूँ, तो मुझे आज 6 टिफ़िन के ऑर्डर आए हैं जिसमें मुझे चिकन बना के देना है। तो यहाँ पे मैंने मसाले कुछ निकाल लिए हूँ, जिसमें मैंने 3 से 4 खोबरे के टुकड़े लिए हूँ, उसको अच्छे से अंगार पे सेक ली थी। और यहाँ पे कांदा है, इसको भी अच्छे से सेक ली हूँ। ये कोथमीर पुदीना है, टमाटर है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची, ये सब मसालों को हमको पीस लेना है। इसमें मैं काजू वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी। नॉर्मल सालन जैसे बनता है वैसे मैं सालन बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ली हूँ, जिसको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर ली हूँ। यहाँ मैंने आलू डाली हूँ, क्योंकि एक टिफ़िन में कम से कम 1 आलू चाहिए, तो ये हिसाब से मैंने ये आलू काटे हूँ। और यहाँ पर मैंने ये आधा कटोरी दही ली हूँ, और जिसको मैंने फेंट के रखी हूँ। और ये कुछ मसाले हैं, जिसमें गरम मसाला है, लाल मिर्ची पाउडर है, नमक, हल्दी, कस्तूरी मेथी है। अभी सबसे पहले हम ये मसालों को पीस लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने तेल में अभी आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया हूँ, और मैंने इसमें 2 से 3 तेज़ पत्ते डाले थे। तो ये मेरे आलू अच्छे फ्राई हो गए, मैं आलू को इसमें से निकालूँगी नहीं। और ये जो मैंने मसाला था, इसको मैंने पानी में अच्छा घोल ली हूँ, क्योंकि मेरा तेल गर्म है तो ये मेरा मसाला जल भी सकता है। अब ये मसाला मैं इसमें डालूँगी। अब ये मसाले को मैं इसमें अच्छे से भून लूँगी, और फिर तो मैंने खोबरा और हरा मसाला जो पीसी है वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो उसके बाद मैं ये चिकन को डाल दूँगी। पहले अभी मैं इसको अच्छा पकाऊँगी, ताकि मेरे मसाले की जो कच्ची बास है वो इसमें ख़त्म हो जानी चाहिए। तो गाइस, मेरा मसाला ये अच्छे से भून गया है। अभी इसमें मैं जो पिसा हुआ मसाला है ये डाल दूंगी। इसको अच्छे से भूनने का काम करना है। अभी इसमें मैं दही भी मिला दूंगी। तो मैं यहाँ पर दही, गोश्त वगैरह सब मिला ली हूँ। अभी मुझे इसको मसाले को अच्छे से भूनना है, और फिर मुझे अगर थोड़ा सालन में पानी डालना है तो मैं डाल दूँगी इस तरीके से, बिना काजू के। मेरा सालन देखो, और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू भी आ रही है, और बहुत ही अच्छा टेस्टी सालन बना है। अब इसको जोश आएगा तो इसको स्लो गैस पर रखूँगी, ये अपने आप अच्छे अंदर के अंदर पक जाएगा। इसको थाली ढक दूँगी मैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरा सालन यहाँ बन के तैयार है। यानी मैं अच्छे से इसको अभी भून ली हूँ, और अच्छे से पक भी गया है ये। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, इसमें इतना पानी डालूँगी, और इसको अभी 10 मिनट और पकाऊँगी। ये मेरा सालन बनके तैयार हो गया है, और ये मेरा ज़ीरा राइस बन रहा है। सब अभी आ गई है, मुझे अभी क्लीन करना है। पूरा किचन में बर्तन पड़े, सब साफ सफाई करना है, और फिर रोटी चालू करना है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ज़ीरा राइस बनके तैयार है, यहाँ पे दाल बनके तैयार है, और ये सालन भी मेरा तैयार हो गया। किचन भी मेरा एकदम क्लीन हो गया है। अभी यहाँ पर रोटी चालू करेंगे। तो मेरा मिनी ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में।